अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक की। नवकाल सिस्टम्स का इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, इसको हम करेंगे अनबॉक्स। देख लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक का जो ये इसमें एक्सेसरीज आती हैं जिसकी हेल्प से ये लगता है लॉक का आउटर पार्ट, ये इसकी सारी एक्सेसरीज हैं। हम एक चीज़ को समझा रहे हैं यहाँ पे, ये इसके जो लंबे वाले पेंच हैं ये इसमें लगते हैं, ये लंबे वाले जो पेंच मिल रहे हैं ये यहाँ लगते हैं, ये लॉक के बाहर वाली साइड लगता है। मैं अभी सारी इसकी वर्किंग समझाऊंगा कैसे काम करता है। इसके अंदर हमें मिल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 चाबियाँ आ रही हैं। ये लॉक का दूसरा पार्ट है जो कि लॉक के दूसरे साइड में लगता है, और ये अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट के ऊपर। ये मेन पार्ट है, हैवी ड्यूटी लॉक है ये हमारा, तकरीबन 1.5 किलो का लॉक होता है। इसके अंदर इसकी फंक्शनलिटी मैं आपको समझा देता हूं। अगर हमें लॉक को चेक करना है तो लॉक को चेक करने का तरीका ये नहीं है कि हम इसकी चाबी घुमा रहे हैं, और अगर हम इसकी जो चाबी घुमाते हैं ये चाबी घुमाने से कुछ भी अंदर या बाहर नहीं होता। इसका पर्पस क्या है, लॉक को चेक करने का तरीका क्या है? लॉक को चेक करने का तरीका है ये, इसको एक हाथ से दबाना है और बटन को दबाना है, ये लॉक हमारा चल गया। दोबारा से कर रहा हूँ, ये देखिए दोबारा से कर रहा हूँ, इस तरह से लॉक को चेक करते हैं। ये है लॉक की वर्किंग, मतलब ये हमारा लॉक जो है लॉकिंग सिचुएशन में है, इसको लॉकिंग सिचुएशन कहते हैं। क्योंकि जब लॉक होगा तो इस तरीके से होगा, और जब हमें खोलना है इसको तो हमें बटन दबा के खोलना है, तो इस तरीके से लॉक चेक होता है। अगेन अगर हम इसे बाहर की साइड से चेक करना है तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमने इसको दबाया और ये वाली जो पार्ट है इसको हमने इसमें हल्का सा लगाना है, मतलब ये जस्ट आधा इंची भी जाएगा इसके अंदर। और ये इस पत्ती को, ये जो ये पत्ती है इसको ये देखिए हल्का सा ये दबाता है, ये दबाता है, ठीक है। तो ये इसका काम है, और कोई काम नहीं है। मतलब ये जो पार्ट है ये अंदर यहाँ तक नहीं जाता, मतलब ये इतना नहीं जाता है, ये सिर्फ इतना से ही जाता है। तो हमें इसको बाहर से चेक करने का क्या तरीका है कि हम इसको दबाते हैं, अगेन लॉकिंग सिचुएशन में करते हैं, और हम इसको ऊपर करते हैं, ये हमारा इसका मतलब है कि लॉक हमारा अनलॉक हो रहा है। तो ये तरीका है इसको चेक करने का। और जब भी आपको एक नया लॉक मिलता है आप उसको चेक कर लीजिए कि ये चाबी इसमें लग रही है कि नहीं लग रही, ये देखिए घूम रहा है, और साथ ही साथ ये चाबी इसमें लग रही है कि नहीं लग रही, ये घूम रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ एक ही पोजीशन में वापस आता है, ये देखिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी ला के इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर नहीं आता, आपको उसी पोजीशन में ला के बाहर ला सकते हैं। तो ये है, और आपके गेट की मोटाई के हिसाब से अगर आपका ये लग रहा है और ये आपका ज़्यादा लंबा हो रहा है तो यहाँ पे निशान दे रखे हैं, या आप किसी भी चीज़ से इसको कट कर सकते हैं ताकि आपका ये पार्ट सिर्फ इतना सा ही अंदर जाए और ये आपकी वर्किंग हो जाए। इस मेटल के गेट पे इस लॉक को वेल्ड किया जाता है, वेल्डिंग की हेल्प से इसको लगाना चाहिए। अगर आप स्क्रू की हेल्प से लगा रहे हैं, देखो वुडन के डोर पे तो ऑप्शन नहीं है वेल्डिंग का, वहाँ तो स्क्रू ही लगेगा, पर अगर आप मेटल के गेट पे लगा रहे हैं तो वेल्डिंग करिए, क्योंकि उसका जो गेट का अपना वजन और उसकी जो फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ टाइम बाद वो स्क्रू कट जाएंगे, टूट जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर है वेल्डिंग करिए इसको आप। रही बात इस लॉक की, आपका चाहे ये इनसाइड ओपनिंग गेट हो चाहे आउटसाइड ओपनिंग गेट हो, और चाहे आपका गेट मतलब लेफ्ट खुलता हो या राइट पल्ला खुलता हो या सिंगल ही पल्ले का है, तो आपका यही लॉक कामयाब रहेगा। अगर आपका जैसे मान लीजिए ये वाले पल्ले पे लगना है तो ऐसे लगेगा, अगर उधर वाले पल्ले पे लगना है तो ऐसे लगेगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। और रही बात इसकी लैच को पलटने की, तो इसकी लैच को भी पलटा जा सकता है एक प्लास की हेल्प से। आप इसको खींचेंगे हल्का सा बाहर, और ये मैं इसको हाथ से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हाथ से इसलिए नहीं हो रहा, मैं प्लास से नहीं कर पा रहा, बट इसको आप हाथ से खींच के हल्का सा घुमाएंगे और वापस छोड़ देंगे तो अंदर चला जाएगा। तो ये अभी फिलहाल ये जो बाय डिफॉल्ट है ये इनसाइड ओपनिंग गेट के लिए है, आप इसको आउटसाइड ओपनिंग गेट के लिए बनाने के लिए इसको खींच के जस्ट घुमाना है और वापस कर देना है, तो ये आपका पलट जाएगा। तो ये था लॉक के बारे में। और जो ये वाला पार्ट है इसमें देखिए, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है, ये बड़ा वाला जो पार्ट है ये ही जाता है अंदर, ये बाहर वाला पोर्शन ही बाहर ही रहता है, ये इसका ऐसे ही रहता है, ये देख लीजिए, तो ये ऐसे ही रहता है। तो इसका पर्पस सिर्फ अंदर इसका मैकेनिकल ऑपरेशन है। अब रही बात इस लॉक की, इसमें दो तारें निकल रही हैं, इसके अंदर यहाँ इस एरिया में कॉइल होती है जो कि एक सोलेनॉइड का काम करती है। जब भी ये लॉक लगा होता है तो ये कॉइल एनर्जाइज होती है और हल्का सा
इसके एनर्जाइज होने से ये एक सोलेनोइड एक्टिवेट होता है, और जिसकी हेल्प से ये वाला एक्शन प्ले होता है, मतलब कि वो उसको बॉल्स को अंदर की तरफ खींचता है और ये लॉक हमारा अनलॉक हो जाता है। तो ये तरीका होता है इस लॉक को अनलॉक करने का यूजिंग द करंट। इसको 12 वोल्ट डीसी या 24 वोल्ट एसी के करंट पे काम करता है ये। इसको आपने 220 वोल्ट करंट नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट में नहीं लगाना है, नहीं तो कॉइल ख़राब हो जाएगी। कॉइल की वारंटी नहीं होती है। इसको लॉक को अगर आपने वो करना है, मतलब कि अगर आपने एक मिनट इसको पॉज करना ज़रा, तो इसमें हम इस लॉक को 12 वोल्ट डीसी या 24 वोल्ट एसी से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 12 वोल्ट डीसी का जो अडेप्टर या पावर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, या 24 वोल्ट की रिमोट वाली या स्विच वाली या वाईफाई वाली सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से इस लॉक को बेटर चलाया जा सकता है। तो ये तरीका है इस लॉक को चलाने का। जब भी आप इस लॉक को लें, आप इसको लगाएं, या लगाने से पहले पहले टेबल पे, अगर आपने रिमोट वाला सिस्टम या वाईफाई वाला सिस्टम लिया, पहले इसको लगा के टेबल पे लगा के कनेक्शन देके चेक करिए, उसके बाद इसको लगाइए। जब तक आप इसकी वर्किंग को नहीं समझेंगे, तब तक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, आप लगवाने वाले से भी कंफ्यूज रहेंगे, और लग रहा है और लगने के बाद भी कंफ्यूज रहेंगे। तो पहले सबसे बेटर तरीका रहता है कि आप लॉक के सारे फीचर्स को टेस्ट कर लीजिए टेबल पे रख के, और अगर वो वर्किंग में आप समझ चुके हैं तो आप इसको लगाइए। ये तरीका होता है लॉक को लेने से पहले क्या करना है आपको। तो इस वीडियो में हमने सारे फीचर समझ चुके हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये अलग जो हमारा का इंस्टॉलेशन वीडियो है उसमें समझ में आ जाएगा ये कैसे लगता है। ये वाला पार्ट जो बड़ा वाला राउंड राउंड है, ये तो इस साइड लगता है, और जो छोटा वाला ये पार्ट है, ये लगता है इस साइड, जहाँ पर इसको स्क्रू से, ये दो स्क्रू को रोकने के लिए, ताकि जब हमारा लॉक लगा है तो ये पार्ट निकल ना सके, ये पार्ट टिका रहे। और ये इसमें कंप्यूटराइज चाबियाँ दे रखी हैं, ये इजीली क्लोन नहीं होती हैं, ये बेस्ट रहती हैं चाबियाँ और लॉक को खोलने के लिए। और आप इसको मैकेनिकली ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैं एक दो फीचर्स बताने और रह गए हैं, वो ये है कि अगर आप इस लॉक को चाहते हैं कि आप इस चाहते हैं कि अंदर से कोई बटन ना दबे, मतलब ये बटन ना दबे, तो उसके लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैंने पूरा घुमा दिया और ये अब इस बटन को नहीं दबेगा, मतलब अब लॉक जो है वो अंदर की साइड से मैकेनिकली ऑपरेट नहीं होगा, और इस लॉक को हम मतलब इलेक्ट्रॉनिकली तो खोल सकते हैं और बाहर चाबी से भी खोल सकते हैं। देखिए, मैं इसको बाहर से चाबी से खोलता हूँ और ये खुल रहा है, ठीक है। पर ये यहाँ अंदर की साइड, जैसे घर में बच्चे हैं और कोई काम है कि बच्चे बार बार शैतानी करते हैं या वो लॉक खोल के बाहर चले जाते हैं, तो वो काम नहीं होगा। इसको हमने बटन को डिसेबल कर दिया। तो ये है एक डेड लॉकिंग का फीचर, मतलब सॉरी, ये है बटन डिसेबल का फीचर। और अब हम बताते हैं दूसरा फीचर जो है डेड लॉकिंग का। डेड लॉकिंग में क्या है कि मान लीजिए घर में कोई फंक्शन है, गेस्ट काफ़ी आते जाते आ रहे उस दिन, काफ़ी लोगों का आना जाना है, और हम चाहते हैं कि गेट बंद करने पर लॉक ना लगे, तो हम डेड लॉकिंग कर सकते हैं। डेड लॉकिंग का क्या तरीका है, चाबी हमने इसमें लगानी है और हमने इस बटन को दबा देना है। पहले तो इसको हम वापस डेड लॉक, जो उसकी बटन को हमने डिसेबल कर रखा था वो हमने एनेबल कर लिया, अभी बटन दब रहा है। और अब हम इसको लॉक चाबी को ये देखिए, पहले हमने बटन को दबाया, मैं दोबारा बताता हूँ, बटन को दबाना है पहले पूरा, और फिर चाबी को पूरा घुमा देना है और इसको निकाल लेना है। अब देखिए, ये बटन हमारा अंदर दबा हुआ रह गया है, ये बटन हमारा अंदर दबा हुआ रह गया है, इसका मतलब क्या है, देखिए लॉक हमारा डेड हो गया है। पहले क्या हो रहा था, इसको दबा रहे थे तो ये पार्ट बाहर ही था, पर अब क्या है, ये पार्ट हमारा, जैसे ही इसको दबा रहे हैं, मतलब कि जब हमारा गेट बंद होगा तो ये लॉक नहीं लग रहा है। ये देखिए, लॉक नहीं लग रहा है, ये बाहर की साइड ही है। तो इससे क्या होगा, जब भी बार बार गेट बंद होगा तो लॉक लगेगा नहीं, तो इसको डेड लॉकिंग बोलते हैं। तो ये इसका एक मेन फीचर है, जिसकी हेल्प से आप सर्टेन टाइम्स पर चाहते हैं तो चाबी घुमा करके, इसको बटन को दबा के चाबी घुमा दीजिए, और वापस इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना है तो बस चाबी को लगा के दोबारा पूरा घुमा देना है, और ये हमारा पहले जैसा हो गया। ये देखिए, अभी लॉक हमारा पहले जैसा वर्किंग में आ गया है। तो ये हमने सारे लॉक के बारे में जाना है। कल को कभी आपकी लॉक किसी भी वजह से ख़राब होती है, कॉइल ख़राब होती है, तो आपने यहाँ से दो पेंचों को खोलना है, और ये कॉइल आप हमसे नहीं ले सकते हैं, और उसके चार्जेस अलग से लगते हैं। कॉइल की वारंटी नहीं होती, कंटिन्यूस इसको करंट देना नहीं है, एक दो सेकंड से ज़्यादा का, इसको उससे ज़्यादा करंट की ज़रूरत भी नहीं होती। सिर्फ लॉक की कॉइल एनर्जाइज होती है, बॉल्स को पुश अपनी तरफ
पुल करती है और लॉक अनलॉक हो जाता है। तो यहाँ हमने सारे लॉक की वर्किंग के बारे में समझ लिया है, और इसके साथ में हम बात कर रहे हैं इसके साथ जो आता है मैनुअल, यूज़र मैनुअल। वैसे तो यूज़र मैनुअल में इतना कुछ ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है, बट इन केस जस्ट आप यहाँ पर लॉक अगर आप लगाते हैं तो ये स्टेंसिल आपको दे रखी है स्टेंसिल की हेल्प से, और जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी है, आप एक बार इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे भी दे रखा है यूज़ 9-12 वोल्ट डीसी वोल्टेज, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे लॉक के बारे में कंप्लीट वीडियो। थैंक यू।